हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, स्पोकन इंग्लिश में, खासकर जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस बोलते हैं या पास्ट इंडेफिनिट में, तो वहां पर हु से जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना होता है, लोग लगा देते हैं। उस पर हम थोड़ा सा आज काम करते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं हु की। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, ये हु है। अब हिंदी में हु को देखें तो या तो होता है कौन, या आप कह सकते हैं किसने। अब मुझे एक सेंटेंस बोलना है कि अच्छा यार, एक बात बता, तुझे अंग्रेजी कौन सिखाता है। अब तुझे अंग्रेजी कौन सिखाता है, तो सबसे पहले हम कौन की इंग्लिश लिखते हैं हु। अब लोगों को लगता है कि हु है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगता ही लगता है, तो लोगों को लगता है कि हु है, हु में डज लगा दो, हु डज। उसके बाद वो ऐसे बोलते हैं कि हु डज टीच यू, टीच यू इंग्लिश। तो इस तरह का जो सेंटेंस है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में आपको हु के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, डू डज या डिड, ये आपको नहीं लगाना है। यानी कि जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ऐसे होगा कि तुझे अंग्रेजी कौन सिखाता है, हु के बाद आप जो वर्ब है उस वर्ब में, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ईएस आप लगाइए। यानी कि जहां पर टीच है वहां टीचेस करना है, जहां पर कुक है वहां कुक्स करना है, जहां पर गो है वहां गोस करना है। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर यहां पर आता है जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाता है, तो यहां पर तुम्हें है तो यू कर दीजिए, मुझे है तो मी कर दीजिए, उसे है तो आप हिम हर, उन्हें है तो देम कर दीजिए, इस तरीके से। उसके बाद जो भी आइटम है वो यहाँ पर आप दिखाएंगे। कहने का मतलब है, मैं सेंटेंस के हिसाब से आपको बताता हूँ कि तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाता है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से कौन का उठाया, हु। फिर यहाँ से ले लिया टीच, मतलब सिखाना या पढ़ाना, तो टीच का ले लिया टीचेस, तो हु टीचेस। फिर यहाँ से उठा लिया यू, हु टीचेस यू। और फिर यहाँ पर जो अगला जो आइटम है, इंग्लिश की बात हो रही, तो हमने इंग्लिश लिख दिया कि हु टीचेज यू इंग्लिश। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अगर मुझे बोलना है कि तेरी मदद कौन करता है, तो तेरी मदद कौन करता है, आप कैसे बोलेंगे? सबसे पहले कौन, यानी कि हु। यहाँ पर मदद करना हेल्प होता है, तो हमने कर दिया हेल्प्स, हु हेल्प्स यू। इसके बाद कोई अगला वर्ड था नहीं, तो हमने यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हु हेल्प्स यू। लेकिन तुझे अंग्रेजी कौन सिखाता है, उसमें हु टीचेज यू इंग्लिश, वहां पर इंग्लिश एक अगला वर्ड था, एक अलग से वर्ड था, तो हमें इसके बाद लगाना पड़ा। एक और सेंटेंस है कि तेरे कमरे को कौन साफ करता है। अब मुझे ये बोलना है तेरे कमरे को कौन साफ करता है, तो कैसे होगा भाई? सबसे पहले हम बोलेंगे हु, ठीक है, हु। उसके बाद साफ करना यानी कि क्लीन, तो क्लीन में एस हो गया कि हु क्लीन्स। अब तेरे कमरे को, हु क्लीन्स योर रूम, इस तरीके से। तो आपका हु, उसके बाद वर्ब में एस या ईएस, उसके बाद यहां जो सेक्शन है वो पूरा आपका कोई भी अदर वर्ड हो सकता है। तो तेरा कमरा यानी कि योर रूम, तो हु क्लीन्स योर रूम, ठीक है जी। यानी कि इसको आप ऑब्जेक्ट मानिए, इसमें एक नाउन भी आ सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि तुझे गाली कौन देता है, तो हु एब्यूजेज यू, यू पे भी खत्म हो सकता है। नहीं तो तेरे कपड़े कौन धोता है, तो हु वॉशेज तेरे कपड़े, योर क्लोथ्स, तो पूरा एक नाउन फ्रेज हो गया, तो ऐसे भी हो सकता है, तो क्लियर है। अब इसी को अगर हम पास्ट में देखें, पास्ट अभी कई लोग गलती करते हैं, इससे हम कहते हैं तुझे किसने बताया, तो तुझे किसने बताया, तो उन्हें लगता है कि किसने मतलब हु, उसके बाद पास्ट है तो डिड लगेगा कि हु डिड टेल यू, उन्हें ऐसा लगता है, तो ये गलत है दोस्तों, ऐसे आपको नहीं बोलना है। तुझे किसने बताया, यहां पर भी आपको क्या करना है कि हु, उसके बाद सीधा आप सेकेंड फॉर्म उठाइए, हु टोल्ड यू। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होगा वो होगा कि हु के बाद वर्ब में सेकेंड फॉर्म, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, आप ये लगा सकते हैं। ओके, तेरी मदद कल किसने की, तो कैसे होगा, हु हेल्प्ड, हु हेल्प्ड यू, कल है तो यस्टरडे, हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। तुझे थप्पड़ किसने मारा, तुझे थप्पड़ किसने मारा, तो वही बात है, सबसे पहले किसने यानी कि हु, उसके बाद थप्पड़ मारने की अंग्रेजी स्लैप होती है, तो आप स्लैप्ड कर दीजिए, हु स्लैप्ड यू। तेरे कपड़े किसने धोए, हु वॉश्ड योर क्लोथ्स, इस तरीके से।
तो ठीक है, समझ में आ रहा है गाइज आपके? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब में सी आई एस लगाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अब है कि अगर कोई हु से सवाल करे तो जवाब कैसे देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सबसे पहले देखते हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया कि हु टीचेज यू, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाता है। अब आपको जब जवाब देना है तो गलती लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि यहां पर सबसे पहले आई कर देते हैं। मैंने देखा है कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि आई और फिर पता नहीं कैसे कर देते हैं आई टीच इंग्लिश और जो भी टीचर का नाम है कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते हैं वो। कभी भी अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाता है, हु गिव्स यू पॉकेट मनी, तुम्हें पॉकेट मनी कौन देता है, हु कुक्स फूड फॉर यू, तुम्हारे लिए खाना कौन पकाता है, यानी कि सवाल से क्या पता चल रहा है, इस हु से क्या पता चल रहा है कि हु से बंदा क्या जानना चाह रहा है। हु से उस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहा है, उस डूअर के बारे में जानना चाह रहा है जो इस काम को करता है। तो हु टीचेज यू इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन करता है, वो डूअर कौन है। आप डूअर नहीं है, आप तो पढ़ रहे हो ना, आपको जो पढ़ा रहा है वो डूअर है। तो डूअर का हमें नाम लेना होता है यहां पर। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो अगर डूअर सिंगुलर है, अगर डूअर हमारा सिंगुलर है, जैसे कि है कि भाई चंदन मुझे अंग्रेजी सिखाता है, तो चंदन अकेला है तो फिर चंदन, बाकी टीचेज रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सेम रहेगा, चंदन टीचेज मी इंग्लिश। यहां आप मी कर दीजिए अपने आप कि चंदन मुझे अंग्रेजी सिखाता है तो टीचेज मी इंग्लिश। लेकिन अगर यहां पर दो लोग होते कि चंदन और कुंदन मुझे अंग्रेजी सिखाते, अब क्या होता भाई? तो अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल में फिर आपको वर्ब का एस सी एस हटाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने यहां पर कर दिया कि चंदन एंड कुंदन दो लोग हो गए, ये प्लूरल हो गए, तो अगर आपका डूअर प्लूरल है तो वर्ब में एस सी आई एस नहीं लगेगा, फिर सिर्फ टीच होगा, चंदन एंड कुंदन टीच मी इंग्लिश। इस तरीके से अगर मैं बोलू कि हु कुक्स फूड, खाना कौन पकाता है एट योर होम, आपके घर पर, आपने बोला कि मेरी मम्मी खाना पकाती है, मम्मी यानी कि डूअर हमारा सिंगुलर है, तो कैसे होगा कि माय मदर कुक्स फूड, आपको कुक्स बोलना है, एस लगाना है। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर खाना पकाते, अब क्या होगा, डूअर हमारे दो लोग हो गए, प्लूरल हो गए, सो माय मदर एंड माय सिस्टर कुक फूड, फिर कुक्स नहीं बोलना हमें। तो ये जवाब देने में जो लोग गलती करते हैं वो इसका ख्याल रखेंगे। क्लियर है? चलिए अब पास्ट के अंदर आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आपको सेकेंड फॉर्म ही रखना है हमेशा। यानी कि अगर सवाल है कि तुझे थप्पड़ किसने मारा भाई, हु स्लैप्ड यू, क्वेश्चन है कि हु स्लैप्ड यू, आपको अब डूअर का नाम बताना है, किसने मारा, डूअर कौन है, थप्पड़ मारने वाला कौन है। आपने बोला मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, डूअर का नाम लीजिए माई फादर, बाकी आपको सेकेंड फॉर्म ही रखना है, इसको बदलना नहीं है, माई फादर स्लैप्ड मी। अगर आपको बोलना है कि मेरे पापा और मेरे मम्मी ने मारा, मेरे पापा और मेरी मम्मी ने मारा, तब भी वो स्लैप्ड ही रहेगा, माई फादर एंड माई मदर स्लैप्ड मी, ये नहीं बदलेगा। और हमेशा आपको डूअर का नाम लेना है जब कोई हिसाब से क्वेश्चन करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर है तो वर्ब में एस आई एस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हु का इस्तेमाल ऐसा भी होता है ना, जैसे आपको एडजेक्टिव क्लॉज में मैं आपको सिखाऊंगा हु, ऐसे कई बार होता है कि वो कौन है जिसने तुझे चाटा मारा, वो कौन है, यहाँ भी हु है और जिसने तुझे चाटा मारा यहाँ भी हु है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस। तो सवाल है कि वो कौन है जिसने तुझे चाटा मारा, तो सबसे पहले तो वो कौन है, हु मतलब कौन है, हु इज द पर्सन। यहाँ पर आपको अगर नहीं पता है कि मर्द औरत की बात है तो द पर्सन लगा दीजिए, हु इज द पर्सन। अगर आपको पता है कि किसी आदमी ने मारा है लेकिन ये नहीं पता कौन है तो हु इज द मैन। औरत की बात है तो हु इज द वुमन या हु इज द लेडी, इतना आपको बोलना पड़ेगा। अब उसके बाद है कि वो कौन है या वो कौन आदमी है जिसने तुझे चाटा मारा, तो हु इज द मैन या हु इज द पर्सन, फिर यहां आपको हु लगाना है और यहां करना है स्लैप्ड यू। अब ये जो हु स्लैप्ड यू है, इसका मतलब यहां पर जो हु है ये काम कर रहा है जिसने, किसने का काम नहीं कर रहा है, जिसने
स्लैब्ड यू, तुझे चाटा मारा, तुझे चाटा मारा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना हु से लेकर यहां तक, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। मैं आगे बताऊंगा, ये हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है यहां पर। तो कभी इस तरह से पूछना हो, हालांकि स्पोकन इंग्लिश है तो मैं आपको बस स्ट्रक्चर एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार हम स्पोकन इंग्लिश में कहते हैं कौन है वो लड़की जिसने तेरी इंसल्ट की, अगर ऐसा बोलेगा भाई कौन है वो लड़की, तो हु इज द गर्ल, कैसे बोलेंगे आप, हु इज द गर्ल, हु इज द गर्ल। कई बार स्पोकन इंग्लिश में लोग द ना बोलकर यहां दैट भी बोल देते कि हु इज दैट गर्ल, वो लड़की कौन है बे, हु इज दैट गर्ल जिसने तुझे तेरी इंसल्ट की, जिसने तेरी इंसल्ट की। फिर यहां पर हु इंसल्टेड यू, हु इंसल्टेड यू, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर ऐसे होगा। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि अबे कौन है वो लड़की जो तेरे घर रोज आती है, अब क्या होगा, कौन है वो लड़की, हु इज द गर्ल, और स्पोकन इंग्लिश में द न लगा के कई लोग दैट का सहारा लेते, हु इज दैट गर्ल, अबे कौन है वो लड़की जो तेरे घर रोज आती है, जो, तो फिर यहां पर आपको हु लगाना है कि हु आती है, तो हु कम्स तेरे घर, टू योर होम या हाउस कर दी, कम्स टू योर होम डेली, कौन है वो लड़की, कौन है वो आदमी जो तुझसे रोज बात करता है, हु इज द मैन हु टॉक्स टू यू डेली, समझ में आ रहा है, कौन है वो व्यक्ति जो तेरी कार चलाता है, हु इज द पर्सन, या हु इज द मैन, हु इज द पर्सन, हु इज द लेडी, जैसा आपको बोलना है, हु इज द पर्सन सही है, हु इज द पर्सन हु ड्राइव्स योर कार डेली। तो समझ में आ रहा है गाइस, तो ये था आपका हु का लेक्चर, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। स्पोकन इंग्लिश है तो आपको बस देखना है कि इस तरह के जो सेंटेंस है इसको कैसे बोलेंगे, बस स्ट्रक्चर जान लेना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर की आप प्रैक्टिस करें बार बार, इसको भी बहुत ज़्यादा आप अपनाएं, क्योंकि काफ़ी इस्तेमाल होता है कि कौन है वो लड़का जो यहाँ पर शोर मचा रहा था, अगर ऐसा बोलना है कौन है वो लड़का, हु इज़ द बॉय जो यहाँ पर शोर मचा रहा था, हु वॉज मेकिंग अ नॉइज हेयर, हु इज द बॉय वॉज मेकिंग अ नॉइज हेयर, ऐसे करके बोला जाता है। कौन है वो लड़की जो फ्लॉन्ट करती है, हु इज द गर्ल हु फ्लॉन्ट्स, फ्लॉन्ट मतलब इतराती है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। स्क्रीनशॉट के लिए कुछ है ही नहीं, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, थैंक यू।